गोलगप्पे की प्लेट आ चुकी है, बहुत यम्मी लग रही है। मैं एक ट्राई करती हूँ क्योंकि अंबर के हाथ में फ़ोन है, तो मैं एक ट्राई करके देख लेती हूँ। ये एडवांटेज है बहुत बड़ा। गोलगप्पे खाना भी एक बहुत बड़ा टास्क होता है। मुझे भी ट्राई करने, मेरे मुँह में पानी आ रहा है। मैं भी गोलगप्पे ट्राई करने वाली हूँ। और गाइस, यम्मी गोलगप्पे, बहुत मुश्किल टास्क है वैसे ये। नंबर इट्स टू गुड यार, बहुत मजे का गोलगप्पा है। गोलगप्पे की सबसे अच्छी बात ये कि इसका सिरप बहुत मजे का होता है, खट्टा। और अंबर की स्ट्रेटजी ये है कि ये ख़त्म कर देगी पीपी के, तो अभी मैं इसका फ़ायदा उठा लेती हूँ। सो गाइस, हम गोलगप्पे ट्राई करते हैं जब तक हमारे स्पाइरल तैयार होते हैं, फिर आपको स्पाइरल दिखाएंगे कि कैसे लगते हैं। स्पाइरल खा रहे हैं। अच्छा, हमें सही से पता नहीं है इसको खाना कैसे, तो हम हाथ से तोड़ तोड़ के ही खा रहे हैं। ऐसा ही है। और ये बड़ा मज़े का, इसके ऊपर मसाला छिड़क के दिया है, बहुत मज़े का। अब इसको ट्राई करते हैं, उसके बाद कुछ नया ट्राई करेंगे। एग्जैक्टली गाइस, लुक एट दिस, इसको मैं हाथ से तोड़ के ना उस मसाले के साथ खा रही हूँ, और ये बहुत ही मज़े की चीज़ लग रही है। लाइक गुड। हमने वो स्पाइरल ट्राई कर लिए हैं, उसके बाद मेरा जो वॉलेट है वो बिल्कुल ऑयली हो चुका है, मेरे हाथ भी ऑयली हो चुके हैं। और हमने इस वक्त टिश्यू लेने आए हैं, और यहाँ पर टिश्यू के साथ साथ जो है ना, ये सिची नज़र आ रही है। ये बहुत ही मज़ेदार चीज़ है, लेकिन हमने इतना खाया है कि अब हम मज़ीद नहीं। डोंट यार, मैं इसको ट्राई नहीं कर सकती क्योंकि मेरा पेट फुल हो चुका है। हाँ, मैंने और चीज़ें खानी तो है, लेकिन अब ये जो कि हैवी हो जाएगा, और मैंने ऑलरेडी बहुत कुछ खाया। इनसे पूछते हैं कुछ अंबर के, ये सारा दिन ये इतनी मेहनत करते हैं, सारा दिन आप इतनी मेहनत करते हैं, ये तैयार करते हैं, तो थक जाते होंगे। आप खुद भी खाते हैं कुछ इसमें से? मुझे तकरीबन 40 साल हो गए इस बारे में। 40 साल हो गए। अच्छा, असल में टेस्ट मटन पे है। मटन ये आन इस्लामाबाद वाले खाते हैं? नहीं नहीं, इस्लामाबाद वाले मटन खाते हैं। खाते किधर है, दो तीन दाना पूरा 7 दिन में? 7 दिन में। अच्छा, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि मुझे, मैं भी मटन इतना नहीं खाती। ये देखिए जी, कितनी खूबसूरत मजेदार आ रहे हैं सब्जी तैयार करके, और ये इतनी यम्मी लग रही है। इस्लामाबाद के लोग वाकई इतना मटन नहीं खाते, आती नहीं होती, लेकिन शनवारी रेस्टोरेंट्स बहुत है इस्लामाबाद में, वो वहाँ पे इंजॉय करते हैं। और ये सब्जी तैयार हो रही है। तो अंबर, अब हम इतना ज़्यादा खा चुके हैं कि हम ये मज़ीद नहीं खा सकते। गाइस, अंबर ने जो है ना, वो मेरी सोडा भी पी ली और चाय भी पीना चाह रही है। नहीं, मैंने थोड़ी सी सोडा ट्राई की, अब मैं चाय ट्राई करूँगी। और चाय यहाँ पर, ये गरम गरम 50 रुपये का कप है, मेरे ख्याल से सोडा से तो सस्ती ही है चाय। और शाम का टाइम है, मेरा बहुत दिल चाह रहा था, मुझे चाय की क्रेविंग हो रही थी, अभी मैं चाय ट्राई करूँगी। पिंकी, थोड़ा सा आप दिखाना कि चाय बन कैसी रही है, इलायची वाली चाय। समकर कितने मजे की खुशबू आ रही है, क्या ख्याल है? मजे की खुशबू आ रही है, और अभी मैं चाय लूंगी और ट्राई करूंगी। पिंक कलर उसमें आ चुका है पक पक के, और मैं बहुत डेस्परेट हूँ चाय का सिप लेने के लिए। और मेले में इन्हीं चीज़ों का मजा होता है, आपको डिफरेंट चीज़ें ट्राई करने को मिलती है। की साड़ी। ये हैंड वाली जो विदाउट शुगर, मैंने चीनी नहीं डाल।
करवाई और गलती की, उसे पी नहीं जा रही, लेकिन पीऊँगी मैं सही। गाइस बहुत मज़ा आया हमें, आप लोग भी आया करें ऐसी फैमिली गैदरिंग जो होती हैं, बहुत मज़ा आता है, इंजॉय करेंगे और फिर हम यहाँ से निकलेंगे क्योंकि रात भी होगी और ट्रैफिक और गाड़ी भी नहीं। एग्जैक्टली बहुत ज़्यादा इंजॉय हमने किया है और हम एक और फूड स्ट्रीट में घुस आए हैं और अभी भी हमारा पेट नहीं भरा है। गाइस मुझे ऐसे भूख लग रही है जैसे मैंने सुबह से कुछ खाया ही नहीं, अभी मेरा अंडे वाला बर्गर खाने का दिल कर रहा है, जूस पीने का दिल कर रहा है। ये एक और फूड स्ट्रीट है, यहाँ पे समोसे भी नजर आ रहे होंगे, अब क्या खाना है भी। मुख्तलिफ कल्चरल स्टॉल्स थे वो देखे, फूड इंजॉय किया हमने, मुख्तलिफ रिवायती डिशेज थी वो हमने ट्राई की और इंजॉय किया। और आज लास्ट डे था, पीछे डेट भी लिखी हुई है और अब काफ़ी देर हो चुकी है, रात हो चुकी है और जाने का टाइम हो गया है। इंशाल्लाह अगली दफ़ा किसी अच्छे जगह पर आपसे मुलाकात होगी, फ़िलहाल के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, मेरे जाने का टाइम हो गया है, अल्लाह हाफ़िज़।